राहुल गांधी जी, आपके अंदर, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर और आपके किसी भी नेता की वॉइस देश के अंदर नहीं बची है। आपकी क्षमताएं नहीं है कि आपकी वॉइस को सुन ले। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्षमता है। नरेंद्र मोदी पर इस देश को विश्वास है, तब ये देश मोदी जी की बात को और आवाज को सुनता है। मोदी जी जब कॉल करते हैं कि ताली बजानी है, थाली बजानी है, दीपक जलाना है, तो कोरोना के संकट से बचने के लिए भारत का एक एक नागरिक तो उनकी बात को स्वीकार करता ही है। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस के बाद जिसकी सर्वाधिक देश में नहीं दुनिया के अंदर लोकप्रियता के साथ नेता के प्रति विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी के लिए जो विश्वास व्यक्त जनता ने और देश दुनिया की जनता ने व्यक्त किया है, वो आज तक के इतिहास में किसी के लिए नहीं किया। तो नेता शब्द को माननीय प्रधानमंत्री ने तो उसको गौरवान्वित किया और नेता शब्द की स्थापना देश के अंदर पुनः की है। तो राहुल गांधी जी, न आपकी कोई आवाज सुनने वाला, न आपके कोई चेहरे को देखने वाला, न आपके कामों को के इस देश के अंदर जो आपने देश में किया, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग और खुद राहुल गांधी जैसे लोग देश को बदनाम करने के लिए जो जो कर सकते हैं वो आप देश के अंदर जरूर कर रहे हैं। ये तो जनता जानती है कि वैक्सीनेशन भी पहुंच रही है, वैक्सीन भी पहुंच रही है, मोदी जी की आवाज भी पहुंच रही है और देश की जनता को जो जो और आवश्यक होगा राहुल गांधी जी वो भी पहुंचेगा, चिंता मत करिए।